सॉरी ना, मुझे एंगल करनी पड़ेगी। तो आज हम नितिन से मिलने जाएंगे, चलेगी ना? ये जो दोस्त होते हैं ना, ये बच्चों को ऐसे बरगलाते हैं कि हमारी सारी शिक्षा ना हवा हो जाती है। अरे अपने बच्चों से ज्यादा इनके दोस्तों पर नजर रखनी पड़ती है, तुझे मालूम नहीं है? स्वीटी दी ने बिल्कुल सही कहा था, ये सारे दोस्त होते ही हैं दिमाग खराब करने के लिए। पर जीत ने भी तो रावी से बात की है, शायद मेरी बेटी ना कहेगी। जल्दी बता, चलेगी ना? नहीं। क्यों? तुझे नितिन के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता? करता है। इनफैक्ट मन करता है कि सारा टाइम उसके साथ स्पेंड करूं। पर क्या? पर पापा ने जो मुझे समझाया उसके बारे में मैं बैठ के सोचना चाहती हूँ, और इसलिए मैं नितिन के साथ नहीं जाऊंगी। तो इस पर का ये मतलब है कि रावी अहुजा डैडी की डार्लिंग है और बाबूजी की छोटी सी परी। वैसे तो ठीक कह रही है, ये तानिया ही है जो रावी को बिगाड़ती है। माँ मुझे कल जाना है, मुझे आज पैसे चाहिए। अरे मैंने कह दिया ना, जब तक मैं खुद चलकर नहीं देखूंगी तब तक पैसे अरे नहीं तो दूंगी। चलो ना, मना कौन कर रहा है, अंदर जाना है, मेनू देखना और बाहर आ जाना है। कहाँ पर जाकर आने की बात हो रही है भाई? कैफे, वहाँ जाकर देखना है कि कॉफी कितने की मिलती है। ऐसा वैसा कैफे नहीं है माँ, ब्राउनी एंड बिस्किट से हाई फाई जगह है। आपके साथ ना वैसे भी कॉफी पिए हुए जमाना हो गया। हमारे जमाने में ना 200 रुपए की कॉफी नहीं मिलती थी, और वैसे भी हम वहाँ कॉफी पीने नहीं जा रहे, बस जाएंगे मेन्यू कार्ड देखेंगे और वापस आ जाएंगे। मम एक बात बताइए, आपकी जाने की नीयत है कि नहीं? जाएंगे लेकिन आज नहीं, आज बहुत काम है, कल चलेंगे तीनों साथ में। अरे कल मुझे जाना है वहाँ पे शाम को। हाँ तो सुबह चलेंगे, कह तो दिया। तो फोन बज रहा है। हाँ पिंकी। दिया बिल्कुल सही थी, हमारे बेचारे बच्चे फरिश्ते हैं लेकिन उनके दोस्त बिल्कुल राक्षस न राक्षस। अब इस तानिया को ही देख लीजिए, आप विश्वास नहीं करोगी कि वो यहाँ आकर रावी से क्या क्या बोलती रहती है, क्या क्या सिखाती रहती है उसे, अपने माँ बाप के खिलाफ भड़का रही है उसे। और रावी उसकी बातों में आ गई? अब तक नहीं थी, लेकिन अगर ये लड़की रोज आकर रावी से ऐसी बकवास करती रही तो एक दिन जरूर आएगा ना कि रावी पर इसकी बातों का असर होने लगेगा, तब हम क्या करेंगे? तो ठीक कह रही है पिंकी, अब गीली लकड़ी को दीमक से हम कब तक बचाएंगे हैं? मैं काम करती हूँ, जीत से जाकर ये कहती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, जीत भाई साहब से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। जीत भाई साहब ना बहुत इमोशनल इंसान है, पर वैसे भी उन्होंने अपनी तरफ से ट्राई कर लिया ना, अब हमारी बारी है, अब हमें कुछ करना है। एक काम कर, मैं तुझे ना आधे घंटे में तेरे बिल्डिंग के नीचे मिलती हूँ, ठीक है? कुछ सोचा है आपने? हाँ सोचा है कुछ, तो मिल फिर बताती हूँ, ठीक है? चल बाय। आप लोग ऐसे अचानक बात करने आए हैं, जरूर कोई जरूरी बात होगी। देखिए जाहिर सी बात है कि अगर हम आपसे मिलने आए हैं तो कोई जरूरी बात ही होगी। हम यहाँ ना आपकी बेटी तानिया के बारे में बात करने आए हैं। एक्चुअली तानिया जो कर रही है ना वो ठीक नहीं कर रही। ऐसा क्या किया तानिया ने? Na 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 na.
जी, मैं अभी आती हूँ। अपना एक गाना बंद करो। क्या हुआ मम्मा? मैंने कहा ना, अपना ये गाना बंद करो और अंदर चलो। आंटी आप यहाँ? अच्छा जी, हम चलते हैं। बस यही दिन देखना बाकी था। दूसरी बेटियों की माएं आके मुझसे शिकायत कर रही है कि मेरी बेटी की वजह से उनकी बेटियां बिगड़ रही है। इसी दिन के लिए तुझे मैंने इतनी छूट दे रखी थी। तू ध्यान से सुन ले, तेरी फिर कोई शिकायत आई ना तो मैं तुझे तेरे मामा के घर कानपुर भेज दूंगी। समझ गई तू? अपने पेरेंट्स की नजर में अच्छा दिखने के लिए मुझे बुरा बना दिया, मेरा ही नाम खराब कर दिया। अजी मैं ना एक बार रोहिणी में सेम टू सेम कॉफी शॉप में गया था क्लाइंट के साथ। डील तो हुई नहीं लेकिन कॉफी का बड़ा आनंद आया। आया ना, मॉम को बताइए कितने की थी। वो यार क्लाइंट ने पैसे दिए, मुझे क्या पता कितने की थी। एक्सक्यूज मी, मेनू कार्ड दीजिए। थैंक यू। ओ समोसा। ये किसी का झूठा है वो? आप और आपकी चटोरी जबान। ओ भैया सुनना। जी मैम। कम से कम टेबल तो साफ कर लिया करो। जी मैम। खोल के बैठ गए दुकान। जब कोई कस्टमर जाया करे ना तो साफ कर दिया करो, मक्खियां आ जाती हैं। ये देखिए, ये क्या है? ना 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 ना। ये देखिए, है कि नहीं? वो क्या, आप चले यहाँ से? अरे रुक, देखो तो सही, इतना पैसा इन्होंने लगा क्यों रखा है? एसी चला रखा है, इसका पैसा तो हो गई। कॉफी पीकर देखना कि ये कॉफी इतनी महंगी क्यों है। नहीं नहीं नहीं, मॉम मॉम प्लीज प्लीज। ओ भैया सुनना। क्या लेंगे मैं? जवाब जी। मुझे बताइए, आपके पास इतनी तरह की कॉफी हैं, हैं? लाते, कैपेचिनो, अमेरिकानो। लाते कैपेचिनो से तो महंगी है लेकिन अमेरिकानो से सस्ती है, क्यों भाई? अमेरिकानो इतनी महंगी क्यों है? क्या फर्क है लाते और अमेरिकानो में? मैम अलग अलग टेस्ट होता है, लाते थोड़ी गाढ़ी होती है और अमेरिकानो ब्लैक कॉफी होती है। ब्लैक मतलब काली कॉफी जिसमें दूध नहीं पड़ता। अब दूध का भी पैसा बचा रहे हो तो इतना महंगा क्यों लगा रखा है? मैम प्लीज चलिए ना यहाँ से। ओ चुप कर, अब यहाँ आए तो कॉफी पीकर जाएंगे। जाओ जी एक कैपेचिनो लेकर आओ। कैपेचिनो? सुना, ये लेकर आओ। तीन मैम? क्यों, यहाँ शादी है, पार्टी चल रही है, एक लेकर आओ बस। जी, 50-50 तो करेंगे ना? आप ही पीजिएगा, मैं सिर्फ एक सिप लूंगी, बाकी आपकी। हेलो जी, नाम इतना बड़ा कैपेचिनो और पीनो को इतना सा। कैसी लगी? मैं तो इस कॉफी के 10 रुपए भी नहीं दूंगी। ओ भैया सुनना। जी मैम। बिल लेकर आओ। ओके। ₹200? ओ मैंने
तो इसका रेट 160 था। मैम 15% वैट एंड 10% सर्विस टैक्स। वो टैक्स के बच्चे, इनकम टैक्स के रेट पढ़वा दूंगी यहाँ पर। लूट मचा रखी है, अंधेर कर दिया बस। लो जी 200 रुपए दो। और काहे के 200 रुपए भाई, क्या डलता है आपकी कॉफी में है? 2 रुपए का दूध, 50 पैसे की शक्कर और 2 रुपए की कॉफी, और क्या? एसी और म्यूजिक का पैसा लगा रखा है जो ढंग से चलता भी नहीं है, खड़खड़ किया जा रहा है। टिप कितना डालूं? मैंने भर के पैसा डाल दो। 200 रुपए वैसे लूट रखे हैं। ये लो जी। और सुनो, अपने मालिक से कह देना खून पसीने की कमाई है, उन्हें हजम नहीं होगी। पकड़ो, चलो जी। वेरी गुड रावि, तुमने भी अच्छा किया, पर मुझे तुम थोड़ी सी स्टिफ और नर्वस लग रही थी। क्यों? इतना दिन से प्रैक्टिस कर रही हो, अब तक तो तुम्हें कंफर्टेबल हो जाना चाहिए था। लगता है कंपटीशन की वजह से तुम नर्वस हो। सर, नर्वसनेस तो सेकंड्स में निकल जाएगी, और आई थिंक आज रावि ने प्रैक्टिस में कमाल ही कर दिया है ना सर। वो तो है। तुम लोग क्यों कर रहे हो, तुम लोग डांस करो। अच्छा सर, मुझे ना कॉस्ट्यूम के रेफरेंसेस लेने हैं। मैंने ना सीडी लाई है, हम देख लेते हैं। ठीक है सर। ओके। ओए तान्या, तू प्रैक्टिस के टाइम कहाँ थी? अच्छा ये बता, तूने मेरा डांस देखा, कैसा था? रैप देखो। तुम्हें क्या लगता है, नितिन रावि के साथ डेट पर गया होगा? गया तो नहीं होगा, पूछा तो जरूर होगा, और रावी ने झट से हाँ भी बोल दी होगी। अभी तुम्हारी उम्र ऐसी है कि तुम गलत डिसीजन बहुत आसानी से ले सकती हो। बेटा, तुम्हारी गलती को तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन अगर लोगों ने तुम पर उंगली उठाई या तुम्हारे बारे में कुछ कहा तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरी मम्मा कह रही थी मुझे जल्दी घर पहुंचना है, मैं जाऊं? ओके। थैंक यू। तान्या! रावि, मैं बाजार होते हुए घर जाऊंगा, साथ चलेगी और उसके बाद कॉफी भी पी लेंगे। तुम्हें क्या लगता है, नितिन रावि के साथ डेट पर गया होगा? गया तो नहीं होगा, पूछा तो जरूर होगा, और रावि ने झट से हाँ भी बोल दी होगी। अरे क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही है? टेंशन मत ले, टाइम से घर पहुंच जाएंगे और ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब नितिन, एक्चुअली आज घर में कुछ काम है, फिर कभी। सॉरी। फिर सॉरी? यार सॉरी वॉरी मत बोला कर, चिल मारा कर, ठीक है? चल भाई, टेक केयर। तान्या, यार तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है, कब से बुलाया जा रही हूँ? तान्या, ओए तान्या, तुझे हो क्या गया? सुबह से बात करने की कोशिश कर रही हूँ तो इग्नोर करे जा रही है। अच्छा सुन, तुझे पता है नितिन ने ना मुझे फिर से कॉफी के लिए इनवाइट किया, क्या करूँ? वैसे कैसे तू मुझसे ही क्यों शेयर कर रही है? जा अपनी मम्मा के साथ शेयर कर। ऑटो कुछ समझी नहीं? ओहो, तू कैसे समझेगी? ना समझ है, ना दान है, भोली है। मैं ही हूँ ना वो बिगड़ी हुई लड़की जिसकी संगत तेरे लिए अच्छी नहीं है। तान्या, तुझे हो क्या गया? मुझे क्या हुआ है? ये जाके तू अपनी मम्मी और मौसी से पूछ जो मेरे घर आई थी मेरी शिकायत करने के लिए, और ये कह के कि मैं तुझे बिगाड़ रही हूँ। मैं तुझे प्यार करने पे मजबूर करी हूँ,
लड़कों की ओर धकेल रही हूँ। हाय राम, इस लड़की को मैंने बोला था कि कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दे, लेकिन सब यहीं फेंक कर चली गई। आप कौन सी शुभ घड़ी का वेट कर रहे हो? आप पैसे कब दोगे? अब तो यकीन हो गया ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। अरे बाबा, मैं अभी सोच रही हूँ, सोच के बाद में देती हूँ। अरे इस पे क्या सोचना है यार। डैड एक सेकंड, देखिए ना, मॉम को बोलिए ना, पैसे नहीं दे रही है। 1000। लकी जी, ये मेरे और रॉकी के बीच का मामला है। डैड सुनिए ना प्लीज। अरे ये क्या मॉम, ये चीटिंग है, मुझे पैसे चाहिए अभी। क्या कहा ना, बाद में। नहीं अभी, अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। क्या है ये, दुम छल्ले की तरह मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहा है? जब तक मुझे पैसे नहीं मिलते मैं ऐसे पीछे पीछे घूमता रहूंगा। अच्छा बाबा ठीक है। यस, दो। क्या पैसे? मैंने पीछे पीछे घूमने के लिए ठीक है बोला। जाओ, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। जब तक मुझे पैसे नहीं मिल जाते आप कहीं नहीं जा सकते। ये चीटिंग है, आपने कल मुझे प्रॉमिस किया था अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो मैं फ्लश करना बंद कर दूंगा। छी, सब जगह बदबू फैल जाएगी, बता रहा हूँ मैं। अभी तो ने फ्लश किया कि नहीं? अरे आप टॉपिक मत चेंज करो यार, आप मुझे पैसे दो, मुझे नहीं पता कहाँ से। मॉम अगर नहीं मिले नाक कट जाएगी मेरी। अच्छा बाबा ठीक है, देती हूँ। अरे क्या हो गया? हो गया नहीं गड़बड़। क्या हुआ? मैं लकी जी से पैसे लेना ही भूल गई। ये चीटिंग है। जब वो पैसे दे रहे थे तो आपने बोला नहीं लकी जी, ये रॉकी और मेरे बीच का मामला है। अब आप ही पैसे नहीं दे रहे। मुझे नहीं पता, मुझे अभी पैसे चाहिए। अच्छा काम कर, तू ना अपने दोस्तों को शाम को यहाँ ले आ, तब तक लकी जी आ जाएंगे, फिर पैसे लेके चले जाना। अरे यहाँ कैसे लेके आओ? एक बात बताइए, वो यहाँ रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, और कॉफी शॉप आए तो वहाँ से वहाँ डायरेक्टली जाएंगे ना, यहाँ से यहाँ क्यों? सीधा बोलना, तू अपने दोस्तों को अपनी माँ से मिलाना नहीं चाहता? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है फिर शाम को ले आ, जैसे तेरे डैडी आएंगे पैसे लेके चले जाना। सुनिए ना, मैं कह रहा हूँ की हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा देर नहीं रहेंगे वो, जैसे डैड आएंगे हम चले जाएंगे। हाँ बस गया हूँ। आ गए आप? सुन, वो अभी ना जब से डांस क्लास से लौटी है बिल्कुल बात नहीं करी है, चुपचाप से। अब कुछ पूछो तो जवाब भी नहीं दे रही है। सर हम पूछेंगे। ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से वो? मैं बात करता हूँ। हेलो बेटा, क्या हुआ बेटा? पापा आप बताओ, बात क्या है? आपने कहा था ना अब सब कुछ बैक टू नॉर्मल, आपने कहा था ना कि मैं अपनी लाइफ वैसे जी सकती हूँ जैसे मैं पहले जी रही थी, आपने कहा था ना आप मुझ पे विश्वास करते हो, तो मम्मा क्यों नहीं? आपको पता है मम्मा और मासी तान्या के घर पे गई थी तान्या की मम्मी से शिकायत लगाने कि तान्या की वजह से मैं बिगड़ रही हूँ। पापा क्या मैं दूध पीती बच्ची हूँ? क्या मुझे अक्ल नहीं है? वो स्वीटी दी ने कहा वही जो उन्हें ठीक लगा, मैंने भाई आप समझाइए ना इसे, इसकी भलाई के लिए किया जो किया। मेरी भलाई के बारे में सोच के आपने इतना कुछ कर लिया मम्मा, एक बार विश्वास करके नहीं देख सकते थे? नहीं बेटा, बात ना विश्वास की नहीं है। आजकल तुम बच्चे माँ बाप की कम दोस्तों की ज्यादा सुनते हो, उन्हीं के बताए रास्ते पर चलते। आपको क्या लगता है मुझ में अक्ल नहीं है? मुझे कोई भी कहीं पे भी लेके जा सकता है, मैं दूध पीती बच्ची हूँ, मेरे कोई व्यूज एंड पॉइंट्स नहीं है, मैं बेवकूफ हूँ? हाँ बात वो नहीं,
माफी। जीत, इसे समझाइए ना, इसकी समझ में क्यों नहीं आ रहा कि मैं जो भी करूं। क्या समझाऊं मैं इसे? तुमने मेरी बेटी के सामने मुझे कितना छोटा बना दिया है। मेरी बेटी के यकीन को, उसके पापा के विश्वास को, हमारी परवरिश के हर सीख को तुमने एक झटके में मिट्टी में मिला दिया। अगर हम हमारी बेटी पर विश्वास नहीं करेंगे तो कल हमारी बेटी हम पर विश्वास कैसे करेगी? मुझे भी उसकी चिंता है, उसकी फिक्र है जीत, वो मेरी भी बेटी है। यही तो फर्क है। तुम्हें लगता है कि तुम रावि के बारे में सोच रही हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल है। एक बार उसकी जगह खड़ी होकर सोचा होता कि उस पर क्या बीत रही है। गलती मेरी है, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका, तुम्हारे कोई भी फैसले में दखल नहीं दिया, भरोसा किया कि तुम मेरे भरोसे को कभी नहीं तोड़ोगी। लेकिन तुमने क्या किया? तुम ताना के घर चली गई। क्या साबित करना चाहती थी पिंकी? अरे कैसी माँ हो तुम एक बच्चे की परवरिश ढंग से नहीं कर पा रही हो।